हेलो गाइस, वेलकम टू द एजमेट न्यूज। तो गाइस, आजकल डोरेमोन सबका फेवरेट है, मेरा तो सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो आज हम बात करेंगे डोरेमोन की अपकमिंग न्यू मूवी के बारे में, जो कि कल रिलीज होगी। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में चीजें बता देता हूँ कि ये मूवी आई कहाँ से, क्योंकि आपको इसका एनिमेशन देख के थोड़ा कंफ्यूजन पूरा होगा कि एनिमेशन तो पुराना, फिर इसे मूवी को नया कैसे बोला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका जो रियल नेम है वो है डोरेमोन नोबिता ट्रिप यूनिवर्स। इसका हिंदी मीनिंग हुआ डोरेमोन नोबिता की यूनिवर्स की यात्रा, यानी कि स्पेस यात्रा। तो सबसे पहले ये बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई थी और देन इस मूवी ने काफी ज्यादा कमाया। ये मूवी जापान में रिलीज हुई थी 6 मार्च 1999 को, जो कि बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी रही और इसने करीब जापान की करेंसी में 2 बिलियन कमाए, जो कि बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस बजट है 1999 के टाइम पर। तो काफी अच्छी रही ये मूवी। और फाइनल इंडिया में ये फैसला करा गया कि डोरेमोन की स्पेस यात्रा, यानी कि इसका नाम कर और इसे अपडेट कर और हिंदी में डब कर रिलीज करा जाए सीधा डिज्नी चैनल इंडिया चैनल पर। फाइनली, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हो तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कल 19 अक्टूबर है, यानी कि दशहरे वाले दिन आपको ये मूवी 1 बजे दोपहर में देखने को मिल जाएगी, जो कि फुल मूवी इंडिया डिज्नी चैनल पर रिलीज करी जाएगी। तो आप इंतजार करिए इस मूवी का। मूवी काफी अच्छी है, उसके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं और बॉक्स ऑफिस पे 6 मार्च 1999 को इसने काफी अच्छा पैसा भी कमाया था। और फाइनली इसे इंडिया में रिलीज करा जा रहा है कल के ही दिन। तो आप लकी हो कि आपको ये मूवी देखने को मिल रही है। और देन आप इस मूवी को कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube या Facebook पेज पे देख रहे हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर जियान सिजुका या सुनियो के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।